स्टूडेंट्स असलैक्म आसिफ महमूद इज हियर विद कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होपफुली वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर वन टुडे लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ़ दिस चैप्टर एंड दैट इज यूजिंग इन वैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग यानी टेस्ट के लिए इन वैलिड डाटा का इस्तेमाल तो एक बज़ाहिर अजीब सी बात लगती है कि इन वैलिड डेटा जो वैलिड नहीं है उसका इस्तेमाल हम टेस्ट के लिए क्यों करेंगे लेकिन यहाँ हम उसको देखते हैं कि उसकी अहमियत क्या है टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इन वैलिड डेटा इंश्योर दैट द एल्गोरिथम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डेटा इनपुट्स यानी अगर हम कोई गलत डाटा दे दें तो एल्गोरिदम उसको अच्छे अंदाज में हैंडल करेगा यानी उसको कोई गलत उसका हल पेश नहीं करेगा बल्कि अच्छे अंदाज़ में उस डेटा को हैंडल करेगा क्योंकि कोई भी प्रोग्राम रन करते हुए ये एन मुमकिन है कि जब इनपुट डाटा दिया जाए तो कोई भी यूज़र उस डेटा को ग़लत अंदाज़ में या गलत डाटा जो है इनवैलिड डाटा जो है वो इनपुट के तौर पे दे दे तो फिर सॉफ्टवेयर क्या करेगा तो सॉफ्टवेयर को अच्छे अंदाज़ में उसको हैंडल करना चाहिए यानी उसको अच्छे अंदाज़ में रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसकी मिसाल उसने दी है इफ़ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर ऑफ़ डेज़ यानी अगर कोई एल्गोरिथम ये कहता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ में यानी दिनों की तादाद में अपनी उम्र दें बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज़ इनपुट तो आप नंबर ऑफ डेज नहीं देते बल्कि डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं देन द एल्गोरिथम मे मे नॉट वर्क प्रॉपरली तो ये मुमकिन है कि एल्गोरिथम सही काम ना करे द पर्पज ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इन वैलिड टेस्ट डाटा इज़ टू डिटेक्ट सच सिचुएशंस तो इन वैलिड डाटा को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हम ऐसी सिचुएशंस को डिटेक्ट कर सकें इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज़ आउटपुट तो ऐसी सूरत में आउटपुट के तौर पे एरर मैसेज दिए जाते हैं और अगर एरर मैसेज ना दिया जाए तो इसका मतलब है कि एल्गोरिथम ठीक काम नहीं कर रहा है वो गलत आंसर या गलत सॉल्यूशन दे रहा है मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन तो इससे जो इनवैलिड डाटा के जरिए हम टेस्टिंग करते हैं तो सोलूशन की क्वालिटी को भी हम इम्प्रूव करते हैं बेहतर बनाते हैं तो आज के लिए इतना ही ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज में हमने क्या करना है तो अभी हम चलते हैं होमवर्क की तरफ कंप्यूटर का होमवर्क है हाउ इन वैलिड डाटा इज़ हेल्पफुल टू टेस्ट एन एल्गोरिथम यानी एक एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए इन वैलिड डाटा किस तरह से हेल्पफुल या मददगार होता है इसका आंसर यहाँ पे मार्क करेंगे यूजिंग इन वेलिड से स्टार्ट होके इस पैरा के एंड तक और मुनासिब है कि आप इसमें यू का लफ्ज़ काट दें ये यू ना लिखें तो आज के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज